एक क्वेश्चन कल मैंने करवाया, दो क्वेश्चन करवाए थे, एक उसी के जैसा सेम एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोगों को खुद को करना है, ठीक है ना। और जिसने मतलब दो दिन से क्लास नहीं अटेंड कर रहा, वो पिछला वाला वीडियो देखेगा तो उसको वो क्वेश्चन भी हो जाएगा, उसको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कल जो क्वेश्चन दिया था उसी के ऊपर आधारित सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी 4 कैलोरी, पृथ्वी 4 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेकंड सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा ग्रहण करती है, सौर ऊर्जा ग्रहण करती है तो विकिरणों के विद्युत एवं चुंबकीय, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का मान याद कीजिए। ठीक है ना। तो सेम उसी के जैसा है कि जैसा है, इसमें भी किसका मान ज्ञात करना है, ई का मान ज्ञात करना है और एच का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो वो फॉर्मूला था, पी वेक्टर बराबर क्या, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, इसको रिजल्टेंट के रूप में लिखोगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा, ई एच। इस ई एच का मान किसके बराबर होगा, जो आपने यहाँ पे जो 2 कैलोरी लिखा है उस कैलोरी को आपको किसमें बदलना पड़ेगा, जूल में बदलना पड़ेगा। और कैलोरी को जब जूल में बदलोगे तो वो क्या हो जाएगा, 4.2 × 10⁴ जूल के बराबर आता है। उससे मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू को, और मिनट जो है, मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस मिनट को भी किसमें बदलना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 60 से भाग देना पड़ेगा। तो यहां से इसकी वैल्यू जो आप निकालोगे, तब यहाँ पे इस मान को रखोगे और यहाँ पे ई एच का एक मान निकालोगे, उस ई एच का मान होगा उसके अंदर फिर आप प्रतिबाधा जेड नॉट बराबर ई अपॉन एच बराबर क्या है, 377 ओम, उसके साथ मल्टीप्लाई करना, वापिस मल्टीप्लाई करके इन दोनों, इसको और इसको, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करोगे तो ई का मान निकल जाएगा, फिर इस ई एच वाली वैल्यू के अंदर आप क्या कर दोगे, वापिस से ई का मान रख के एच का मान भी निकाल लेना। तो बता देता हूं कि ये इसके ऊपर जो ई का मान आएगा, वो ई का मान कितना आएगा आपके, वो ई का मान आएगा आपके 1027.4 वोल्ट मीटर, तथा एच का मान जो आता है वो आपके आता है 2.7253 एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है ना। सेम वही का वही है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, कल वाला सेम है, उसी के जैसे इसको भी करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये वैल्यू दी हुई है, ये क्या है, ऊर्जा की है, मतलब वो प्रति सेकंड प्रति का क्षेत्रफल कितनी ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, क्योंकि जो सौर ऊर्जा है वो किसके रूप में होगी, प्रकाश के रूप में, और प्रकाश से आती हुई किरणें कौन सी, विद्युत चुंबक की तरंग है। उन विद्युत चुंबक की तरंगों को वो जब ग्रहण करता है, उनसे आने वाली ऊर्जा को ग्रहण करता है, तो उस रूप में ये तो किसको प्रदर्शित करेगा, इस पी को। पी क्या है, पॉइंटिंग सदिश, पॉइंटिंग सदिश हमेशा किसको प्रदर्शित करता है, पॉइंटिंग सदिश हमेशा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के प्रवाह को प्रदर्शित कर रहा है, या प्रवाह किस दिशा में हो रही है उसको प्रदर्शित करता है। तो यहां से ये क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। लिख लिया, भले आप लोगों ने सुनने मिटा दे। अब अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था वो सारा का सारा किस माध्यम में पढ़ा था, मुक्त आकाश के अंदर पढ़ा था, सब कुछ किसमें, मुक्त आकाश के अंदर। मुक्त आकाश के लिए जो म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, और एक तो विद्युतशीलता, और दूसरी आप चुंबकीयशीलता, चुंबकीय पारगम्यता बोल, तो दोनों का मान क्या होता है, एक के बराबर होता है। उस आधार के ऊपर जो म्यू है वो किसके, म्यू नॉट के, और एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और आपको इसका फॉर्मूला मालूम हो तो
अब देखिए, तो ये चीजें हमने क्या पढ़ी थी, मुक्त आकाश के अंदर पढ़ी थी, फ्री स्टेट के अंदर पढ़ी थी। अब आज हम इसी तरह के, ये पहला स्टेट हो गया, अब दूसरा जो है वो कौन सा आपका, अचालक माध्यम। ठीक है, अचालक माध्यम के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है उसकी समीकरण क्या होगी, ई वेक्टर और एच वेक्टर के रूप में क्या निकलेगी समीकरण, उसकी प्रतिबाधा क्या होगी, तथा वो भी अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रदर्शित करती है या नहीं करती है, इन सब चीजों के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अचालक माध्यम के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। अब देखिए, अब इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, कोई भी पदार्थ जो होता है, कोई भी माध्यम, जैसे कि यहाँ पे अचालक माध्यम लिया है, तो अचालक माध्यम लिया है मतलब अचालक पदार्थ वाली कंडीशन हो गई, और अचालक पदार्थ जो होता है उसके लिए जो जे वेक्टर जो होता है वो क्या है, सिग्मा ऑफ ई वेक्टर से हम देखते हैं, किसी भी चालक पदार्थ के लिए अचालक पदार्थ है तो इसका मतलब उसके लिए सिग्मा, या फिर आप ये कह सकते हो कंडक्टिविटी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चालकता का मान जीरो, चालकता जीरो तो उस कंडीशन में आवेश घनत्व चालन धारा, या फिर आप ये कह सकते हो कि आवेशों के कारण प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसका मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। जब आवेशों के कारण प्रवाहित होने वाली धारा का मान जीरो है तो उस कंडीशन में चालन धारा घनत्व का भी मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब आवेशों के कारण प्रवाहित होने वाली धारा का मान जीरो है, चालन धारा घनत्व जीरो है, तो इसका मतलब आवेश वाहकों का कोई भी घनत्व भी नहीं हो सकता इस कंडीशन के अंदर, तो उस कंडीशन में यहाँ पे रॉ का मान भी जीरो हो जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो अचालक माध्यम है उसमें आवेश वाहकों के कारण कोई भी धारा नहीं होती है, उसकी चालकता शून्य होती है, चालकता शून्य होने के कारण धारा घनत्व भी जीरो और आवेश घनत्व का मान भी क्या होता है, जीरो होता है। और तीसरी चीज ये कि जो ये हम अचालक माध्यम पढ़ रहे हैं, तो अचालक माध्यम में जो होता है वो माध्यम की विद्युतशीलता जो होती है वो क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता म्यू एप्सिलॉन बराबर क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। उसी प्रकार से अगर माध्यम की हम चुंबकीय पारगम्यता पढ़ना चाहे तो वो क्या होगी, माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता उसका मान क्या हो जाएगा, म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, तो अब देखिए, अब इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का पढ़ना है, तो मुक्त आकाश में भी हमने विद्युत चुंबकीय तरंगें जो पढ़ी थी वो भी किस आधार के ऊपर पढ़ी थी, मैक्सवेल के समीकरण के आधार के ऊपर पढ़ी थी। तो इसमें भी हमें क्या मालूम होना चाहिए, क्या अचालक माध्यम पढ़ रहे हैं तो इस अचालक माध्यम में भी मैक्सवेल की क्या समीकरण होगी वो भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो तीन माध्यम आपको चार पढ़ने हैं, यही तो कौन सा, मुक्त आकाश आपने पढ़ लिया, दूसरा आप अचालक पढ़ रहे हो, तीसरा आप पढ़ोगे चालक, और सबसे लास्ट में जो आता है आपके आयनित माध्यम। इन चारों से ही आपके क्या है, दो नंबर, साढ़े तीन नंबर और साढ़े सात नंबर, इन चारों से ही ये क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, मतलब ये दो नंबर के, साढ़े तीन नंबर के, साढ़े सात नंबर के, मतलब या तो किसी में से एक में से, इन चारों में से किसी में से भी, किसी भी एक में से क्या पूछ सकता है, मैक्सवेल की समीकरण पूछ ले, कि मैक्सवेल की समीकरण बताओ, मुक्त आकाश के लिए बता दो, चालक माध्यम के लिए बता दो, अचालक माध्यम के लिए बता दो, तो वो तो दो नंबर का क्वेश्चन सीधा इक्वेशन पूछता है तो वो बन जाता है। दूसरी चीज अगर वो पूछ ले कि इनके अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रदर्शित कीजिए तो उस कंडीशन में साढ़े तीन नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। चौथी चीज अगर वो आपको प्रतिबाधा पूछे, उसका प्रश्न के ऊपर जो पॉइंटिंग सदिश है उसका मान, ऊर्जा घनत्व का मान के साथ में आप लोगों को पूरा डेरिवेशन पूछे, तब वो कितने नंबर में, साढ़े सात नंबर में आ जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि ये चारों माध्यम जो है, उस चारों माध्यम में आप लोगों को एक तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए, मैक्सवेल की समीकरण याद होनी चाहिए। दूसरी चीज ये माध्यम की आप चुंबकीय पारगम्यता या विद्युतशीलता लेते हो इसके बारे में मालूम होना चाहिए, और किस वाले माध्यम है, इस वाले माध्यम है, इस तीनों माध्यम है, किसके अंदर ये जे वेक्टर या सिग्मा वेक्टर या फिर वैल्यू जो भी इक्वेशन के अंदर जीरो हो रही है वो किस किसके अंदर जीरो हो रही है, ये सब आपको इसके अंदर
मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा का मान जीरो, चालन धारा घनत्व का मान जीरो हो गया, क्योंकि चालकता नहीं है, आवेशों के कारण कोई प्रकार किसी प्रकार की आवेश के कारण धारा नहीं बह रही है, तो उस वजह से जे का मान जीरो हो गया। अब ये दो चीजें हमें पता चली, ठीक है, एक तो जे का मान और एक रॉ का मान। इस आधार के ऊपर अगर हम अचालक माध्यम में, अचालक माध्यम में मैक्सवेल समीकरण लिखना चाहे तो वो क्या हो जाएगी, अचालक माध्यम में मैक्सवेल समीकरण, अचालक माध्यम में जो मैक्सवेल समीकरण होती है वो क्या हो जाएगी, पहली समीकरण डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, क्योंकि यहाँ पे आवेश घनत्व का मान क्या है, जीरो। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी समीकरण लिखना चाहे तो क्या होगी, डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर डी वेक्टर, ये तो जीरो होती है क्योंकि इसका किसी प्रकार से किसी से भी रिलेशन नहीं है, ना तो जे से रिलेशन होता है ना ही रॉ से, सीधा सा जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना उतना फ्लक्स क्या हो जाएगा, आउट भी हो जाता है। या फिर ये कह सकते हो कि किसी भी प्रकार का चुंबक जो होता है वो क्या है, एकल ध्रुवीय नहीं होगा, उसमें हमेशा दोनों ध्रुव साथ में उपस्थित होते हैं। थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या है, डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर क्या है, माइनस के डेल ऑफ बी वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी, इसको और क्या लिख सकते हो, माइनस के म्यू ऑफ डेल एच वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी। ये आपके क्या बन गई, समीकरण नंबर तीन बन गई। या फिर आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के म्यू ऑफ डेल एच वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी वेक्टर। ये क्या होगी आपके समीकरण नंबर तीन। इसी प्रकार से अगर आप चौथी समीकरण लिखना चाहोगे तो वो क्या आ जाएगी, डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ऑफ ई वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी। ये आपकी क्या हो जाएगी, चौथी इक्वेशन हो जाएगी, डेल ऑफ ई वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी वेक्टर, ठीक है, इसका सेकंड रूप है। इसी प्रकार जैसे हमने ई और बी के रूप में और ई ऑफ एच के रूप में लिखा, वैसा रिलेशन भी एक इसमें निकल सकता है। वो रिलेशन क्या होगा, वो भी इस प्रकार से होगा, डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ऑफ डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। ये क्या होगी आप लोगों के समीकरण नंबर चार, रखिए ये भी चार ही है, ठीक है ना, दोनों ही किसको प्रदर्शित करती है, चार को। तो आप लोगों को ये चारों इक्वेशन, जो ये मैक्सवेल की चारों इक्वेशन है, कौन से माध्यम है, अचालक माध्यम है, वो भी इस तरीके से याद रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ भी नहीं, आपको मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर इतना सा ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में पूछता है तो किसी भी जगह पे जिस भी एक भी जगह से आप वेक्टर को, वेक्टर का जो साइन है उसको मिस मत करना, क्योंकि आपने एक भी जगह पे वेक्टर के साइन को मिस कर दिया तो उस कंडीशन वो इक्वेशन गलत हो जाएगी, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा उसके ऊपर। ये आपको इसको इसके अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ये जो मैक्सवेल की समीकरण है इसमें जो ये कॉलेज लेक्चरर के लिए एग्जाम होता है उसके अंदर भी एक बार सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सवेल की चारों समीकरण लिखिए। उन मैक्सवेल की चारों समीकरण में और कुछ भी नहीं था, ये जो चारों समीकरण थी, चार ऑप्शन थे, उनमें चारों समीकरण लिखी हुई थी, बाकी ये तीन ऑप्शन में किसी में से एक, किसी न किसी एक से वेक्टर का साइन हटाया हुआ था और एक के ऊपर वेक्टर के साइन सभी के ऊपर लगे हुए थे। तो जिसको याद था उसने तो सही कर दिया, तो वहां से उसको पांच नंबर सीधे ही मिल गए, और जिसको याद नहीं था उसके वो गलत हो गई। तो आप लोगों को वेक्टर के साइन याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां से हमने मैक्सवेल की चारों समीकरण लिख दी है। अब इसी के अंदर आगे की तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, ये चारों समीकरण है, इस आधार के ऊपर इन समीकरण का सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा, या फिर हमें तरंग की समीकरण भी निकालनी पड़ेगी। तो जिस प्रकार से हमने क्या किया था मुक्त आकाश के अंदर, क्या किया था, समीकरण नंबर तीन तथा समीकरण नंबर चार का हमने क्या किया था, क्रॉस प्रोडक्ट या कर लिया था, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर तीन का कर लेंगे, इक्वेशन नंबर चार का कर लेंगे, कर लेंगे तब हमें क्या मिलेगा, इन मैक्सवेल की समीकरण जो अचालक माध्यम है उसके अंदर मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक तरंग की गति की समीकरण मिल जाएगी। तो वो कैसे मिलेगी वो भी देखिए, तो यहां पे देखिए समीकरण नंबर तीन का हम क्या लेंगे, समीकरण नंबर तीन का कर्ल लेने पर, समीकरण नंबर तीन का हम कर्ल लेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, डेल वेक्टर
क्रॉस डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, डेल वेक्टर क्रॉस माइनस के म्यू ऑफ डेल ऑफ एच वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी। ठीक है, यहां से ये इक्वेशन किस रूप में खुल जाएगी, डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर ऑफ ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा आपके, माइनस के म्यू डेल बाय डेल टी कोष्टक में डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। अब देखिए यहां से हम किस किस से इक्वेशन नंबर एक तथा इक्वेशन नंबर चार से मान रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर एक और चार से मान रखने पर, इक्वेशन नंबर एक से मान रखेंगे तो ये टर्म्स को क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस कंडीशन में यहां से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, माइनस के डेल स्क्वायर ऑफ ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के म्यू ऑफ डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर इंटू ई वेक्टर, डेल स्क्वायर ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के म्यू म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी स्क्वायर बराबर जी। ये क्या आ गया आपका इक्वेशन नंबर पांच आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर किसका लेना है आप लोगों को, इक्वेशन नंबर तीन का भी आपको क्या लेना पड़ेगा, चार का भी कर लेना पड़ेगा। तो यहां से आप क्या करो, पहले इक्वेशन नंबर चार का भी आप क्या ले लेंगे, चार का कर्ल लेने पर, जब इक्वेशन नंबर चार का कर्ल लेंगे तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, इसी प्रकार से आप सोल्व करोगे तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, डेल स्क्वायर ऑफ बी वेक्टर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन पांच और ये इक्वेशन नंबर छह। ये दोनों ही क्या है, किसी भी माध्यम के अंदर कोई भी अगर तरंग है उस तरंग की गति का जो सामान्य समीकरण होता है उसके समान है। ये किसके समान है, ये इक्वेशन नंबर पांच तथा छह, इक्वेशन नंबर पांच तथा छह किसी माध्यम में तरंग गति की सामान्य समीकरण डेल स्क्वायर साई माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर के समान होती है, के समान है। ठीक है, ये सेम इक्वेशन हमने किसमें भी पढ़ी थी, यह कि यही सेम इक्वेशन हमने कौन से माध्यम में पढ़ी थी, मुक्त आकाश के अंदर भी पढ़ी थी। अब वहां पे क्या था, वन अपॉन सी स्क्वायर आ रहा था, वन अपॉन सी स्क्वायर आ नहीं रहा था, हमने जब वैल्यू सॉल्व की थी तब उस कंडीशन में वन अपॉन सी स्क्वायर आया था, क्योंकि वहां पे आपने देखा था कि जो यहाँ पे म्यू और एप्सिलॉन ले रहे हो वहां पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट था, दोनों की वैल्यू रख के जब हमने सॉल्व किया था तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 2.98 इंटू 10 टू द पावर 6, जो कि किसके बराबर थी, प्रकाश के वेग के समान थी। तो लेकिन इस कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पे वो वैल्यू प्रकाश के वेग के समान नहीं आएगी, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को चेंज इसके अंदर कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। आवाज तो क्लियर आ रही है, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर पांच और छह का हम क्या कर लेंगे, कंपेरिजन करते हैं, तुलना करेंगे इक्वेशन नंबर पांच छह और सात की क्या करने पर, तुलना करने पर, इनकी तुलना करेंगे तो उस कंडीशन में जो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी वन अपॉन वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर वन अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन और वी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब आप इन दोनों को, ये जो इक्वेशन है इसमें से एक टर्म्स और अलग कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या लगा दो, इन दोनों को
ये आपकी इक्वेशन नंबर 8 हो गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे तो इसको एक और फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको एक और फॉर्मेट में किस प्रकार से लिख सकते हो, v बराबर क्या हो जाए, 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, क्योंकि मुक्त आकाश में किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की जो गति होती है वो किसके समान होती है, प्रकाश के वेग के समान होती है, और वहां पे c का मान जो है वो किसके बराबर आता था, रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता था। तो वो मान हम यहाँ पे रखेंगे तो उस कंडीशन में यहां से अचानक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की समीकरण जो है या विद्युत चुंबकीय तरंग जो है उसका वेग क्या प्राप्त हो जाएगा, v बराबर c अपॉन रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये आपके क्या होगी समीकरण नंबर 9 होगी। अब यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 9 में देखोगे तो इक्वेशन नंबर 9 में आपको एक चीज ये पता चल रही होगी कि अगर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो किस आकाश में कैसे माध्यम में अगर अचालक माध्यम में गति कर रही है तो अचालक माध्यम में गति करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश के वेग से कम होता है, वो कौन सी समीकरण प्रदर्शित करती है, ये आप लोगों को इसके अंदर से पता चल जाएगा। 9 में डिफरेंस इतना सा ये मुक्त आकाश में और अचालक माध्यम में कि जो मुक्त आकाश जो होता है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो किसके प्रकाश के वेग या फिर लाइट की वेलोसिटी v c बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करती है, परंतु अचालक माध्यम के अंदर प्रकाश के वेग से विद्युत चुंबकीय तरंग की गति नहीं होती है, उसका वेग जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश के वेग से कम होता है। तो आप लोगों को इसके अंदर ये ध्यान रखना है इक्वेशन नंबर 9 से स्पष्ट है कि अचालक माध्यम में इक्वेशन नंबर 9 से स्पष्ट है कि अचालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होगा, प्रकाश के वेग से कम होता है, प्रकाश के वेग से कम होता है, v is less than c। इससे इक्वेशन नंबर 9 से ये हमें इस पर पता चलता है अचालक माध्यम में। दूसरी चीज, इन इक्वेशनों का सॉल्यूशन तो कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम वही के वही, एक समतल तरंग के समान समीकरण है और एक समतल तरंग के अंदर आप लोगों को मालूम हो तो एम्पलीट्यूड प्रत्येक जगह पर आप किसी भी अक्ष के अनुदिश अगर कोई भी तरंग संचरण कर रही है तो समतल तरंग का हर बिंदु के ऊपर प्रत्येक बिंदु किसी भी उस अक्ष के प्रत्येक बिंदु के ऊपर आप जाओगे तो वहां पे उस प्रत्येक बिंदु के ऊपर उस तरंग का एम्पलीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये यहाँ पर आपने जो दो इक्वेशन निकाली थी, एक तो कौन सी, डेल स्क्वायर ई वेक्टर माइनस के 1/v² डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी स्क्वायर, ये इस प्रकार में आपने जो दो इक्वेशन निकाली थी ये दोनों भी क्या है, वो पुराने वाले मुक्त आकाश वाले तरंगों के समीकरण के समान है। तो उस कंडीशन में अगर हम इक्वेशन नंबर किसका इक्वेशन नंबर 6 का 5 और 6 का अगर हम सॉल्यूशन लिखना चाहे तो वो भी परिवर्तित नहीं होगा। तो आप यहां से इक्वेशन नंबर 5 और 6 का हल जो होता है वो किसके समान होता है, वो भी पुराने वाले इक्वेशन के समान, जहाँ ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा आपके, ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या लगा लेना 10। इसी प्रकार से जो बी वेक्टर है उसका मान क्या हो जाएगा, बी नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी, ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 11 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सेम वही की वही है, इसको h नॉट वेक्टर के रूप में लिखोगे h वेक्टर के रूप में तो यहाँ पे h नॉट वेक्टर और h वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं। अब इसके अंदर एक और चीज इन दोनों इक्वेशन से ये निकलती है, जो अचालक माध्यम जो होता है वो क्या होता है, एक अचुंबकीय पदार्थ के रूप में होता है। अचालक माध्यम जो होता है या अचालक पदार्थ जो होता है एक अचुंबकीय पदार्थ होता है, तो अचुंबकीय पदार्थ जो होता है उसके लिए रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है या पारगम्यता जो होता है उस म्यू आर का मान क्या होता है, 1 होता है। तो म्यू आर का मान अगर हम 1 रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 9 से हमें जो है वो वी के मान एक और रूप में भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से
क्योंकि अर्थ चुंबकीय पदार्थ के लिए, क्योंकि अचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान क्या होता है, वन होता है, म्यू आर इज इक्वल टू वन। तो इस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 9 से ये जो वी है उसका मान क्या आ जाएगा, सी अपॉन रूट एप्सिलॉन आर आ जाएगा। और प्रकाश के अंदर या फिर आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि जो अपवर्तनांक होता है वो किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक प्रकाश की किरण या प्रकाश के वेग तथा जो माध्यम से गुजरने के बाद में जो उस किरण का वेग होता है उन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में ये वेलोसिटी की एक इक्वेशन तो एक तो ये निकल गई। इस इक्वेशन के बाद में आप लोग देखोगे ये इक्वेशन नंबर लगा तो इसके ऊपर बारह, इस इक्वेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो पदार्थ हमने लिया है अचालक माध्यम, उस अचालक माध्यम की विद्युतशीलता को भी हम क्या कर सकते हैं, उसके अपवर्तनांक से रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे जब ये प्रकाश की किरण इस एक अचालक माध्यम या इस अचालक पदार्थ के ऊपर इंसिडेंट होगी तो उसके बाद ये क्या होगी, परावर्तित भी होगी। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस पदार्थ का क्या निकाल सकते हैं, एक तो अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं। तो वो अपवर्तनांक क्या होगा वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो अपवर्तनांक होता है वो किसके अनुपात के बराबर होता है, प्रकाश के वेग तथा उस माध्यम के अंदर जो किरण का वेग है उन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तनांक को भी या पदार्थ के अपवर्तनांक को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पे पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक उसका मान क्या हो जाएगा, v बराबर n जो होता है वो किसके बराबर होता है, c अपॉन v के बराबर होता है। और यहां से इक्वेशन नंबर 12 से अगर अपन c अपॉन v का मान रखेंगे तो c अपॉन v किसके बराबर होता है, रूट ऑफ एप्सिलॉन r, ठीक है। और n स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन r के बराबर हो जाएगा। ये आपके समीकरण नंबर 13 बन गई। और इस कंडीशन के अंदर कोई भी अचालक माध्यम जो होता है, ये जो आप इक्वेशन नंबर आपके जो 13 निकली है ये क्या है, अचालक माध्यम में एक मैक्सवेल के रिलेशन को प्रदर्शित करता है जो कि किस किस के बीच में, किसी भी अचालक माध्यम में पदार्थ के अपवर्तनांक तथा उस माध्यम की जो रिलेटिव या रिलेटिव परमेबिलिटी बोलो या पारगम्यता विद्युतशीलता बोलो उनके बीच में एक रिलेशन को प्रदर्शित करता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये तो कौन सा है, अचालक माध्यम में क्या है, अचालक माध्यम में एक मैक्सवेल संबंध है जो कि किसको प्रदर्शित करता है, जो कि पदार्थ की या माध्यम की माध्यम के अपवर्तनांक तथा माध्यम के अपवर्तनांक तथा उसके आपेक्षिक विद्युतशीलता के मध्य संबंध स्थापित करता है, ठीक है ना। तो यहां से आपको अगर कोई भी अगर विद्युत चुंबकीय तरंग दे दी अचालक माध्यम में, तो उस अचालक माध्यम का अगर आप लोगों को अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो आप इस सूत्र में रख के उसका अपवर्तनांक भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर उस अचुंबकीय या अचालक पदार्थ की आप लोगों को क्या निकालनी हो, आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालनी हो और अपवर्तनांक दिया हो तो भी वो यहां से आप ज्ञात कर सकते हो, उसकी वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो ये अपवर्तनांक तथा किस किस के बीच में अपवर्तनांक तथा रिलेटिव किस रिलेटिव विद्युतशीलता के बीच में जो रिलेशन होता है वो इस समीकरण या इस अचालक माध्यम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये कि हम एक तो ये रिलेशन निकाल सके, दूसरी चीज इसके अंदर जो तरंग संचरण नियतांक होता है के वेक्टर उसका मान भी परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जो के वेक्टर था वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, प्रकाश के वेग सी के ऊपर डिपेंड करता था, पर यहाँ पे आप वो प्रकाश के वेग सी के ऊपर डिपेंड न करके किसके ऊपर करेगा, माध्यम के अंदर जो प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो भी देख लीजिए कैसे,
यहाँ पे यहां से यहां तो तरंग संचरण नियतांक होता है नियतांक वो के वेक्टर बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा इनटू एन कैप। यहां से एन कैप किसको प्रदर्शित करेगा, एन कैप आपके प्रदर्शित करेगा तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो लैम्ब्डा बराबर क्या होता है, ठीक है यहां पे सी न लेके आपको वैल्यू सीट क्या लेनी पड़ेगी, लैम्ब्डा बराबर वी अपॉन म्यू लेना पड़ेगा। तो वी अपॉन म्यू लोगे तो उस कंडीशन में जो ये के वेक्टर है वो किस रूप में आ जाएगा, के वेक्टर बराबर 2 पाई म्यू अपॉन वी एन कैप, ठीक है के वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन वी एन कैप। तो यहां से वेलोसिटी जो है उसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ओमेगा अपॉन के एन कैप आ जाएगा। ये समीकरण नंबर आपके हो गए 14। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से प्रकाश का वेग किसी मुक्त आकाश के अंदर प्रकाश का वेग जो है वो कोणीय आवर्ती और तरंग संचरण के अनुपात के बराबर होता था, उसी प्रकार से किसी अचालक माध्यम जो है उस अचालक माध्यम के अंदर उस तरंग का वेग जो है वो किसके उसके कोणीय आवर्ती तथा किसके उसके तरंग संचरण नियतांक के अनुपात के बराबर होता है। ये उन दोनों में डिफरेंस है। आप लोगों को जो ये दोनों ही आप माध्यम पढ़ रहे हो, अभी जितने भी माध्यम पढ़ोगे उनमें यही डिफरेंस आएगा कि जहां पे सी ले रहे थे उस जगह पे क्या आ जाएगा, अब सारा का सारा वी आ जाएगा, ठीक है ना। इतना सा इसके अंदर डिफरेंस है। अब इसके बाद में एक और टॉपिक बच जाता है आपके, वो है इसके अंदर अनुप्रस्थ प्रकृति। अनुप्रस्थ प्रकृति के अंदर वही सेम कंडीशन है कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अगर हम किसी भी माध्यम में ले जाए तो वो अपनी अनुप्रस्थ प्रकृति को तो बदलेगी नहीं। अनुप्रस्थ प्रकृति को कैसे नहीं बदलेगी, वो हम इस मैक्सवेल के समीकरण से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखिए अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है ये तो प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करती है। अब इसी के अंदर आगे की तरफ अगर हम ये देखना चाहे कि अचालक माध्यम में भी अगर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग क्या करती है, अब अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रदर्शित करती है या नहीं करती है, वो भी हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। अनुप्रस्थ प्रकृति का मतलब क्या है कि तीनों ही तरंग संचरण नियतांक विद्युत क्षेत्र तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के वेक्टर ई वेक्टर तथा बी वेक्टर म्यूचुअली क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं, ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। जैसे आप लोगों ने वो इक्वेशन निकाली थी मुक्त आकाश के अंदर के परपेंडिकुलर टू ई, ई परपेंडिकुलर टू एच वेक्टर, तो वही की वही सेम की सेम तीनों समीकरण क्या निकलेगी, वही की वही तीनों समीकरण इसमें भी निकलेगी। अब देखिए अचालक माध्यम में मैं विद्युत चुंबकीय अचालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, ठीक है ना, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैसे इसमें है कुछ भी नहीं, सेम वही का वही ई वेक्टर का और एच वेक्टर का मान किस में रखना, आपको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में रखोगे, वही का वही सॉल्यूशन करना है। वही का वही सॉल्यूशन करके आप लोगों को इसके अंदर के ई और एच के अंदर मान निकालना पड़ेगा, वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर